नमस्ते राहुल जी, इत्तेफाक है कि आज 28 नवंबर है। 28 नवंबर 2018 को मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे। 56 सीटें बढ़ी थी, 4.6% वोट परसेंट बढ़ा था। उसके बाद सरकार नहीं संभाल पाए थे। आज 28 नवंबर है, एक मोमेंट दिख रहा है, एक मोमेंटम दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा से। इसको बरकरार रखना कैसे संभव हो पाए? भैया, मैं न्यूमरोलॉजी में तो बिलीव नहीं करता हूं, तो नंबर्स पे इन चीजों को मैं बेस नहीं करता हूं। बट मैं आपको यह कह सकता हूं कि कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक जनता का प्यार, भरोसा, जनता की शक्ति इस यात्रा को मिली है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो मीडिया ने कहा था केरला में तो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी, मगर कर्नाटक में प्रॉब्लम आएगी। फिर हम कर्नाटक गए, मीडिया ने कहा साउथ इंडिया में तो यात्रा अच्छी चलेगी, मगर साउथ के निकलने में प्रॉब्लम होगी। फिर तेलंगाना, आंध्रा में वही हुआ, वही जो कर्नाटक में हुआ। फिर हम महाराष्ट्र में आए तो फिर मीडिया ने कहा हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम होगी, महाराष्ट्र में हाँ यात्रा बहुत बड़ी हुई, बहुत बढ़िया हुई। अब मध्य प्रदेश में आए, अब मीडिया कह रही है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मगर राजस्थान में प्रॉब्लम होगी। तो देखते जाइए, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी से अब आगे निकल गई है। ये यात्रा हिंदुस्तान की जो समस्या है, हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तान की आत्मा में जो आवाज है, अब ये यात्रा उसको उठा रही है। तो ये कहां पहुंचेगी, कहां नहीं पहुंचेगी, अब कोई नहीं बोल सकता है। धन्यवाद। नई दुनिया से कपीश दुबे, माइक दीजिएगा जल्दी अमरीश। अच्छा, इसमें दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कह रहा हूं और मैं दोहराता जाता हूं कि इस यात्रा में किसी को थकान नहीं हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। जो भी चल रहा है, नहीं अजीब सी, आपको अजीब नहीं लगता? तो अजीब सी बात है, इस यात्रा में जो भी चल रहा है, चाहे वो 10 किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है, जो भी जितना भी चल रहा है, थकान किसी को नहीं हो रही है। आज एक लड़की आई मेरे पास और मुझे उसने कहा कि मैं जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की, पहले 15 मिनट मैंने सोचा मैं कैसे चल पाऊंगी, और 15-20 मिनट बाद जो भी मेरे माइंड में थकान थी, जो भी डर था, वो निकल गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नई दुनिया से कपीश। राहुल जी नमस्कार। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है EWS आरक्षण को लेके। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है EWS आरक्षण को लेके, जिसमें जो गरीब सवर्ण है जिन्हें EWS के तहत आरक्षण दिया जाता है उसको आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई थी। लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो आप इस यात्रा में सभी वर्गों को जोड़ने और सभी को समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो इस फैसले को लेके आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं इस यात्रा के क्लियर लक्ष्य है, मैं इस यात्रा को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। इस यात्रा के पीछे सोच है, सबसे पहले जो हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है उसके सामने खड़े होना, और इसका सेंट्रल आइडिया कि जनता की आवाज जो है उसको सुनना सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद जो देश में बेरोजगारी, कमल दे सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर,
साउंड वाला कौन है? वॉल्यूम का देखो, ये सब मोबाइल बंद कर लिए भैया, मोबाइल हटा दी, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, उसमें मैसेज आते हैं, ऑफ कर दीजिए मोबाइल। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ। मैं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दे इस यात्रा में रेज नहीं करना चाहता हूं और इस यात्रा को मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। जो जनता कह रही है और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके बारे में हम आपसे जरूर बात कर रहे हैं। पत्रिका से गोविंद ठाकरे। नमस्ते राहुल जी, मेरा सवाल आपकी यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। भैया फोन ऑफ कर दीजिए प्लीज, आपका भी वही कर रहा है। जल्दी जल्दी पूछिए, समय निकल। मेरा सवाल यात्रा से जुड़ा हुआ है, चूंकि आपने पीछे ब्रांडिंग भी लगाई है लेकिन उसमें कांग्रेस का जो सिंबल है वो नहीं है, तो क्या ये उम्मीद करते हैं आपकी इस यात्रा के माध्यम से वो संगठन, गैर राजनीतिक राजनीतिक संगठन जो आपको 2024 में किसी रूप में, आज एक मैं आपको बताऊं, आज एक आरएसएस के व्यक्ति आए मुझे, उन्होंने कहा मैं आरएसएस का हूं, मैं यहां आपका स्वागत करने आया हूं। मैंने कहा ये जी जी जी, तो मेरा सवाल ये था कि इस यात्रा से आगे आपका जो लक्ष्य, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, तो एक मजबूत प्रतिपक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे आगे, ऐसा आप उम्मीद करके चलते हैं या भविष्य में? मैं मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या है, ठीक है। जो तपस्या करता है वो इसलिए तपस्या नहीं, किसी कारण तपस्या नहीं करता है कि मैं वो चाहता हूं या वो चाहता हूं या वो चाहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है वो इस देश के लिए खतरनाक है, इस देश को नुकसान पहुंचाएगी, और मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मेरे दिमाग में आया कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, डर के खिलाफ कुछ करूं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो ये है, और ये भावना सिर्फ मेरे में नहीं है, ये भावना बहुत सारे लोगों में है, कांग्रेसियों में है, नॉन कांग्रेसियों में है, और बीजेपी के लोगों में भी है। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी सोचते हैं कि जो देश में हो रहा है वो सही नहीं है, मीडिया के साथ जो हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हो रहा है, और जनता के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भयंकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। मगर कुछ सोच कर नहीं किया मैंने कि इससे ये फायदा मिलेगा या ये फायदा मिलेगा, इससे मुझे कुछ ना मिले तब भी ये मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं करूंगा, पूरा करूंगा। धन्यवाद। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।